शेखावाटी डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड चिड़ावा राजस्थान में आपका स्वागत है। गत 15 वर्षों से एयरफोर्स व नेवी में 1500 से ज्यादा सिलेक्शन देकर शेखावाटी डिफेंस एकेडमी लगातार भारत की नंबर 1 डिफेंस एकेडमी बनी हुई है। नॉन ऑफिसर रैंक में करियर ऑप्शन देख रहे विद्यार्थी 10+2 के बाद सेना की मुख्य परीक्षाओं में जैसे कि एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी, आर्टिफिशियर अप्रेंटिस या SSR और इंडियन कोस्ट गार्ड। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपने देखा होगा कि अपन पास्ट टेंस के ऊपर बात कर रहे थे और पास्ट टेंस से संबंधित जो इकाई अपन चल रही थी अपनी, उसमें हमने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस में तो इमेजिनरी कंडीशन वाले जो सेंटेंस थे उनके अंदर ऊपर हमने कुछ बातें समझाई थी आप लोगों को। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वो वर्ड्स जिनके साथ आप पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते थे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट होने पर बी वर्ब का प्रयोग करने की स्थिति में आपको वर्ब का ही प्रयोग करना सिखाया था कल मैंने आपको। जैसे आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, एज इफ, एज दो, आई वुड रादर, आई हैड बेटर, इनके साथ यदि सब्जेक्ट दे करके वर्ब भरवाता है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। और यदि मान लीजिए सब्जेक्ट न देता है तो 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और दूसरी बात बताई थी सब्जेक्ट देकर कि यदि बी वर्ब भरवाता तो हमेशा आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन कल अपने डिस्कस की थी। तो देखिएगा, एक बार तो सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को जानकारी हो जाए इस विषय के ऊपर। राम राम भाई, माँ शंकर राम राम आपको, ठीक है। चलिएगा अपन बात करें इस पॉइंट के ऊपर और टेंस की अगली जो इकाई है इसके ऊपर हम डिस्कस करें कि किस प्रकार से ऐसा यूज़ किया जा सकता है और कौन सी स्थिति के अंदर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको आज हम सिखाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इकाई ये है कि आप पास्ट टेंस में यदि हम देखना चाहें तो किस किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। पास्ट सिंपल टेंस को हमने कल कवर कर लिया था। दूसरी बात जो हमारी है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ये बातें यहाँ से देखनी है आप लोगों को। कि देखिएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखो दो बातें हैं, प्रोग्रेसिव की बात हुई थी तो एक तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने परसेप्सिव वर्ब और जो पजेशन वाली जो वर्ब थी उनके अंदर ing नहीं लगा पाए थे, तो वो बात इसके ऊपर भी लागू होगी। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को धन्यवाद है जो जुड़े हैं, और दूसरे जो लोग हैं उनको भी आपको सूचनाएँ देनी हैं या फिर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ये जानकारी हो जाए कि क्लास आपका प्रारंभ हो गया है। कोई बात नहीं, बाकी देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर वाली पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या समझाया है आप लोगों को, स्ट्रक्चर में बताया कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing को समझाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing को यदि हम यूज़ करना चाहें तो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग है, ही वॉज सिंगिंग है, वी वर ईटिंग है और सी वॉज डांसिंग है, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी समय जारी हुए थे या ऐसे कार्यों में होने का प्रयोग निर्दिष्ट हो तब भी हम इसका प्रयोग निर्दिष्ट हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और नहीं भी हो तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब पास्ट की स्थिति को दिखाता। तो पहले तो मैं स्ट्रक्चरल जो पोजिशन है इसको आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से दो प्रश्न तो कैसे बन सकता, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। स्ट्रक्चर का यदि मामला लेता है जैसे सब्जेक्ट आपका प्रयोग करेगा, इसमें आपको वॉज या वर का प्रयोग करवाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और प्लस उसके बाद हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट व आई हालांकि कहीं कई जो टेंस हैं उसके अंदर प्लूरल भी मान लिया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट व आई के साथ आपको कौन सी सहायक क्रिया काम में लेनी होती है, वॉज का प्रयोग करना होता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है
प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब का प्रयोग करना होता है। दूसरी बात रही इसके पैसिव, इसका पैसिव हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ ध्यान रखनी होंगी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, प्लस आवश्यकता अनुसार आपको किसका प्रयोग करना होता है, वाज या वर्ब का प्रयोग करना होता है। इसके बाद में आईएनजी को फिनिश करने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं, और जो वर्ब होती है उसके अंदर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई लगा करके, प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव केस को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ देखनी, ठीक है ना। कब आएंगे, आ जाएंगे, नहीं क्वेंसी भाई जल्दी आएंगी। चलो एक एग्जांपल देखें, जैसे मैं ऐसे लिखूं, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नॉर्मल सा सेंटेंस है ये देख लीजिएगा। यदि हम इसको पैसिव वॉइस में बदलें तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, PLAYED प्लेड बाई मोहन। तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर कोई विशेष जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है, पीछे जो पढ़ा है वैसा ही मैटर यहाँ पर आपको दोबारा रिपीट किया गया है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि यहाँ जो प्रयोग किया गया सेंटेंस के अंदर, मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ क्रिकेट वॉज प्लेइंग बींग प्लेड बाई मोहन लिखा गया, तो यहाँ पर ये कौन सी केस में इस्तेमाल किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ देखना एक बात तो ये देखनी है आप लोगों को, ये दिखाया गया कि इस टेंस में वाक्य की विदाउट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए भी होता जो पास्ट में किसी समय जारी थे, और ऐसे कार्यों के लिए भी होने का समय निर्दिष्ट हो तो भी हो सकता, न हो तो भी। मतलब आपको यदि ऐसा जानकारी होती है कि ऐसा हुआ होगा पास्ट में, तो वहाँ पर भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को प्रयोग किया जा सकता है उनकी उसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। इट वॉज गेटिंग डार्कर, भाई पहले से चल रहा है, डार्कर का मतलब गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन पे उसकी एक्शन क्या चल रही थी, रेगुलर हो रही थी। वी वर प्लेइंग ऑल इवनिंग, मतलब पूरी रात्रि को ही हम क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो पास्ट की जो एक्शन है वो निरंतरता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। शी वॉज डांसिंग yesterday इवनिंग, yesterday इवनिंग को क्या कर रहा था, डांसिंग कर रहा था, तो भूतकाल की जो कंटिन्यूटी है वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, और भूतकाल के एक्शन फिनिश हो जाती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से गुड़िया वॉज सिंगिंग इन द हॉल लास्ट नाइट, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक देखो यहाँ से छोटा सा प्रश्न इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जैसे एक गलती यहाँ से ये करवा सकता है, यू ही एंड आई ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, नॉर्मल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, और यहाँ से आपसे पूछ सकता है ऑप्शन नंबर ए में आपको जैसे वॉज दे दे, और ऑप्शन नंबर बी में जैसे आपको यहाँ पर वर्क का प्रयोग दे दे, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर हैज का प्रयोग दे दे, और ऑप्शन नंबर डी में जैसे हैव का प्रयोग दे दे, तो कैसा प्रयोग करना चाहिए। ये देखो प्लेइंग का प्रयोग होने के कारण से ये दो तो ऑप्शन कट गए, आपके पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, या तो वॉज का प्रयोग होना चाहिए या वर्ग का प्रयोग होना चाहिए, कैसा प्रयोग यहाँ पर आना चाहिए ये चीज़ आपको बतानी है। तनु प्रजापत हेलो हेलो भाई, कोई बात नहीं, वर आ जाएगा, उमा शंकर वर बता रहा है। और इसी प्रकार से जैसे मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं अपन, आई ब्लैंक सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉर्मल सा प्रश्न है, यहाँ पर भी मैंने आपके सामने वॉज और वर का ऑप्शन लिखा है, तो क्या प्रयोग आना चाहिए। एक तो ऊपर वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट वाला जो प्रश्न है इसमें आंसर क्या आना चाहिए ये बताना है, और दूसरा जो प्रश्न है इसमें आंसर क्या आना चाहिए ये बताना है। तो दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी मेरे हिसाब से। हाँ, पहले मैं सोनू प्रजापत वर बता रहा, तो बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक पर्सन प्रनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल के माने जाते हैं एंड से जुड़ने के कारण से, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा, वर्ग का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर जो आई है ये खुद अपने आप में सिंगुलर की पोजीशन रखता है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना होता, वॉज का प्रयोग करना होता, तो दोनों बातें समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, सोनू प्रजापत पहले में वर आ जाएगा और सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आपका वर आ जाएगा और सेकंड में आपका क्या आ जाएगा,
वॉज का प्रयोग यहाँ पर आ जाएगा, तो नॉर्मल बातें हैं दोनों, चलेगा। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है और मैंने आपको पहले भी समझा दिया है इसके बारे में। देखो क्या करा यहाँ, ये करा कि पास्ट में किसी कार्यों के उत्तरोत्तर विकास को बताने के लिए भी गेट, बिकम और ग्रो क्रियाओं के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तरोत्तर जो कार्य दिखाए गए हैं उनके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करें। देखो ये क्या करा है, ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड। तो मतलब और अधिक वो क्या होता जा रहा था, डिप्रेस होता जा रहा था। तो यहाँ पर भूतकाल के एक्शन को दिखाने के लिए, इन क्रियाओं को हम कंटिन्यूटी दिखाने के लिए पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। प्राइसेस वर गोइंग हाई, मतलब जो कीमत थी ना वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही थी, वृद्धि करती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। पवन रॉय, गुड आफ्टरनून सर, आप तो बाड़मेर होंगे शायद, चलो अच्छी बात है। तो एक बार ईमानदारी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बिहार कार्ड, मिड कार्ड, अभी परसेंटेज का तो कोई मायने नहीं रखता भाई, कितना भी रह सकता है। प्राइसेस वर गोइंग हाई, मतलब प्राइसेस हैं वो निरंतर क्या होती जा रही हैं, वृद्धि करती जा रही हैं। तो ये भी नॉर्मल बात है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा बहस करने वाली बात नहीं है। अब डिपेंड करेगा तुम्हारे विवेक के ऊपर, आप कैसा समझ पाते हो। ये वाला जो रूल है इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, यदि पास्ट में दो कार्य एक साथ जारी रहे हों तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। देखो दो बातें हैं यहाँ, टाइम स्केल की बात करें तो दो बातें यहाँ काम करती हैं। एक काम तो ये देखिए टाइम स्केल का है, यहाँ पर एक एक्शन चल रही है और एक एक्शन क्या हो गई, फिनिश हो गई, और एक एक्शन क्या कर रही है, निरंतर चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, एक तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, एक एक्शन यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रही है और एक एक्शन यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रही है, जब दोनों एक्शन एक साथ घटित हो रही होती हैं तो दोनों में ही किसका प्रयोग कर सकते हो आप, भूतकाल की स्थिति दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। ये बातें अभी आपको मैं समझाऊंगा यहाँ से कि कैसे अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान देना इस बात के ऊपर, ये देखो क्या करा है, ये देखिए आपके सामने करा है, व्हाइल सी वॉज डांसिंग, जब वह डांस कर रहा था आई वॉज सिंगिंग। तो दोनों एक्शन क्या कर रही हैं, दोनों भूतकाल की दो एक्शन एक साथ काम कर रही हैं। एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा था, एक बंदा मान लीजिए यहाँ पर डांस कर रहा था, तो दूसरा वहाँ पर क्या कर रहा था, गीत गा रहा था। तो दोनों जो एक्शन है एक साथ चल रही होती हैं, तो वहाँ पर अपन कौन सा टेंस काम में ले सकते हैं, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। व्हाइल रोमा वाज रीडिंग ए नोवेल, रोमा एक नोवेल को पढ़ रही थी, जबकि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या कर रहा था, टीवी को देख रहा था। तो ऐसी सिचुएशन पे दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पास्ट की कंटिन्यूटी दिखा रही हैं, और पास्ट की कंटिन्यूटी दिखाती है तो वहाँ पर हम दोनों ही तरफ किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सेंटेंस में किया जा सकता है। इसी प्रकार से व्हाइल कमला वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, मतलब कमला अपने फ्रेंड से क्या कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और आई वॉज डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, जबकि मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर भी दोनों एक्शन एक साथ चल रही हैं, तो दोनों एक्शन जब एक साथ चल रही होती हैं तो वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए, वाहिल डॉक्टर सेन वॉज स्पीकिंग, जब डॉक्टर सेन बोल रहा था, द ऑडियंस वर लुकिंग एट हिम, तो ऑडियंस उसकी तरफ देख रहे थे, तो दोनों एक्शन एक साथ घटित हो रही हैं। मोहिनी वॉज रीडिंग एंड रोहिणी वॉज प्लेइंग, मोहिनी क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, और रोहिणी क्या कर रही थी, खेल रही थी। शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी, बट हर हस्बैंड वॉज लाफिंग, जबकि उसका पति क्या कर रहा था, हंस रहा था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, वेन आई ब्लैंक रीच आर ई ए सी एच रीच देयर, वेन आई ब्लैंक रीच देयर माई मदर एम ओ टी एच आर माई मदर वॉज कुकिंग फूड। आप यहाँ ध्यान देना फ्रेंड्स, दोनों बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर रूटीन एक्शन काम कर रही थी, भूतकाल की दोनों स्थितियाँ एक साथ काम कर रही थी। ये करा, मेरी माँ खाना पका रही थी और मैं वहाँ पहुँचा। अब यहाँ देखो, मैंने आपके सामने बात समझाई भी होगी। अब मैंने क्या कहा कि भूतकाल की दो एक्शन थी,
जब एक कंप्लीट हो गई तो उसमें कौन सा टेंस काम में ले सकते हैं आप? पास्ट सिंपल टेंस काम में ले सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस काम में ले सकते हैं। और जो जारी है उसमें किसका टेंस काम में ले सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का। व्हेन आई रीच्ड RECHED, जब मैं वहां पहुंचा, तो उसके एक्शन तो यहां फिनिश हो गई। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसकी माँ जो है वो क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। तो जो एक्शन पहले घटित हो गई, मतलब उसके पहुंचते ही वो एक्शन, तो उसके पहुंचने वाली एक्शन थी वो तो पूरी हो गई। और जब उसके पहुंचने वाली एक्शन पूरी हो गई तो उसमें कौन सा टेंस काम में ले लिया आपने? पास्ट सिंपल। और जो उसकी माँ पहले से भी काम कर रही थी और अब भी लगी हुई है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई गई, इसलिए कौन से टेंस का प्रयोग कर लिया गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर लिया गया। यहाँ पर क्लियर हो रही होगी दोनों बातें कि जब दोनों एक्शन एक साथ चल रही होती हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, वाइल वगैरह का प्रयोग करते हुए ऐसे सिचुएशन पर आप प्रयोग काम में ले सकते हैं, या फिर सिचुएशन को देख करके, टाइम को देख करके आप वहाँ पर ऐसा प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन जब दो एक्शन पास की थी और उनमें एक पहले घटित हो गई और दूसरी चल रही है, तो जो पहले घटित हो जाती है उसमें किसका प्रयोग कर लेते हैं? पास सिंपल टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। और जो जारी रहती है उसके अंदर पास कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बातें यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना? हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट बातें हम यहाँ कर लेते हैं। रिचर्ड आ जाएगा, स्मार्ट सत्य कर रहा है कि रिचर्ड आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रिचर्ड का प्रयोग हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल थे इसको, जिसके माध्यम से मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि ऐसी सिचुएशन आने पर आप दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पर समझाई गई हैं। शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये जो फोर्थ नंबर जो नियम है आपका, इसमें आपके सामने बताया गया है, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, जब पास्ट में कोई कार्य जारी रहा हो और उसी बीच दूसरा कार्य हो गया हो, तो मैंने अभी आपको समझा दिया इस प्रकार का एग्जाम्पल कि जो भूतकाल का जो एक्शन था वो भूतकाल की सिचुएशन दिखाने के लिए ऐसा प्रयोग करना चाहा है कि जब पास्ट में कोई कार्य जारी रहा हो और उसी बीच दूसरा कार्य हो गया हो, तो पहला कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस तथा दूसरे के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। देखिएगा, वाहिल द सीएम वाज एड्रेसिंग द असेंबली, सीएम जब एड्रेसिंग कर रहा था, असेंबली को एड्रेसिंग कर रहा था, वन ऑफ द मेंबर्स का मतलब होता है उनके सदस्यों में से कोई एक स्टार्टेड वीपिंग का मतलब होता है उसने रोना शुरू कर दिया। अब आप देखना यहाँ पर, ये दोनों एक्शन चल रही थी, वो मान लीजिए उसके सामने बैठे थे, तो ये तो क्या कर रहा था? वहाँ पर भाषण दे रहा था, और उसी समय उनमें से किसी एक बंदे ने रोना शुरू कर दिया था। वेन शी वॉज ट्राइंग टू गो आउट, जब वह बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, द बेल रिंग, उसी समय क्या हो गई? घंटी बज गई थी। ऐसी सिचुएशन पे टेंस को आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी दिखाने वाले जो टेंस होगा उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में ले लेंगे, और जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके लिए हम कौन सा काम में ले लेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग कर लेंगे। वाहिल यू आर प्रसूडिंग हर, द डॉक्टर लेफ्ट द हॉल, जब तुम उसे समझा रहे थे, प्रसूडिंग कर रहे थे या मना रहे थे, द डॉक्टर लेफ्ट द हॉल, तो डॉक्टर ने हॉल को क्या कर दिया था? लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, व्हेन द डॉक्टर वॉज फीलिंग हर पल्स, जब डॉक्टर उसकी नस को, पल्स को जांच कर रहा था, देख रहा था या उसको जांच कर रहा था, उस ही समय क्या हो गया? पेशेंट मर गया। तो जब ये एक्शन तो चल ही रही थी, उसके नब्स को क्या कर रहा था? वो जांच कर रहा था या देख रहा था, और उसी दौरान क्या हो गया? द पेशेंट डाइड, पेशेंट क्या हो गया था? मर गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका कौन सा टेंस काम में ले सकते हैं? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ओके। चलिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। अगला जो पॉइंट है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, जिसको आपको यहाँ से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये लीजिएगा। ये एक पॉइंट अगला अपना इसके ऊपर ये है, जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया जाता है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट में क्या कर रहा है? दिनू सेड आई एम गोइंग होम, यहाँ पर दैट क्या क्या लगा दिया? वाजवर इजमार को किसमें बदल जाएगा? वाजवर में, वॉज गोइंग होम। राम सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द म्यूजिक कंपटीशन,
तो इनडायरेक्ट क्या हो गया इसके अंदर, राम सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द म्यूजिक कंपिटिशन। ये बातें नॉर्मल हैं कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है। चलो एक बात और समझ लीजिएगा यहाँ पर, यदि मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूस खुद हो तो कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, ही सेड कॉमा इंटेड कॉमा शुरू, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग और फुल स्टॉप। और ये यदि इसको आपको चेंज करना पड़े तो ऐसी सिचुएशन पे आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, ये चीज आपको समझना है। बदलने का प्रयास करिएगा कि ऐसी सिचुएशन आने पर आप कौन से टेंस का, मतलब इस प्रकार के वाक्य के लिए किस प्रकार से टेंस का प्रयोग कर पाएंगे, ये चीज आपको बतानी है। यहाँ से आप क्लियर करिएगा कि ऐसी सिचुएशन पे आप हम कैसे बदल सकते हैं। अनिकेत शर्मा थैंक यू भाई। सही बात है अहमद, बिल्कुल सही बात है। चल रहे थे उसी दौरान, हाँ आप चल रहे थे उसी दौरान, आपका पर्स क्या हो गया, भूल गए, तो ये बात बिल्कुल सही है। वो एक्शन कंप्लीट हो गई आपकी थोड़ा टाइम पहले। तो ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। चलेगा मैं, ही सेड दैट ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वॉज तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, वॉज तो लिखा ही हुआ है। इसको यदि हम चेंज करेंगे अगले दूसरे टेंस में, नमस्कार अजीत कुमार नमस्कार, तो जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिएगा, ही सेड दैट ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा तो लिखा ही हुआ है। मतलब आप इसको ऐसे लिख देंगे, ही सेड दैट, मैंने आपको बताया होगा, अब नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ, पास्ट में यदि होते हैं तो इस प्रकार से चेंज होते हैं, पहला किस में बदलता है तीसरे में, और दूसरा किस में बदलता है चौथे में, और तीसरा चौथा क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, अर्थात पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। तो ही सेड दैट, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन को चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही हैड बीन सिंगिंग एस आई एन जी आई एन जी सिंगिंग ए सॉन्ग और फुल स्टॉप, इस प्रकार से हम चेंज कर देंगे। तो पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में चेंज हो जाता है, हैड बीन सिंगिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ही टोल्ड मी दैट ही वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वर तो जाएगा ही नहीं, कैसे चेंज कर लोगे, ही वाला तो मामला ही नहीं रहेगा। ही के साथ पहली बात तो वर का प्रयोग नहीं हो सकता, यहाँ पर ही के साथ फिलहाल वर का प्रयोग नहीं कर सकते आप, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। He had been singing a song, बिल्कुल सही है। आनंद कुमार कह रहा है कि he said that he had been singing a song, बिल्कुल सही बात है आपकी। फिर ये कौन आ गया, उमाशंकर कह रहा है कि he had been singing a song, बिल्कुल सही बात है। अब की बार had been right हो जाएगा, had been हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पहला तीसरे में मैंने समझा दिया आपको, पहला तीसरे में और तीसरा दूसरा चौथे में और तीसरा चौथा चेंज नहीं होता है, कल भी बताया होगा मैंने, इसको भी देख लेना आप। जैसे अपन इसको चेंज करना चाहते तो कैसे बदलते, ही सेड कॉमा इंटेड कॉमा शुरू, ही रीड आर ई ए रीड इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एस, बहुत खतरनाक सेंटेंस है ऐसे, ज़्यादातर को तो ये पता नहीं होगा कि इसमें टेंस कौन सा होगा। ही के साथ रीड लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो इसमें ऐसे आई एस लगा होता, और पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए कुछ वर्ब ऐसी हैं जो दो तीनों प्रकार से एक जैसी सिचुएशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा टेंस मानना पड़ेगा, पास्ट सिंपल, अर्थात इसको कौन सी फॉर्म माननी पड़ेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म माननी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि यदि इसमें एस ए एस नहीं लिखा हुआ तो निश्चित ये कौन सा टेंस होगा, पास सिंपल टेंस। यदि इसको चेंज करना पड़ता तो किसमें बदलेंगे, ही सेड दैट और कॉमा इंटेड कॉमा शुरू हो जाएगा, और ये ख़त्म करके अपन ही का ही आ गया, और रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें बदल जाएगा, हैड रेड में आर ई ए डी इंग्लिश और फुल स्टॉप। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोनों, हालांकि मैं बाद में दोबारा भी समझाऊंगा आप लोगों को। पास सिंपल वाला पास परफेक्ट में बदल जाता है, पास सिंपल है, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें पास सिंपल टेंस है। क्यों है पास सिंपल, आपको कवर हो गया होगा कि पास सिंपल यदि प्रेजेंट सिंपल होता तो क्रिया में क्या दिखाई देता आप लोगों को, ऐसे ही ऐसे एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया में ऐसे ही लगा होता, तब हम उसको कौन सा टेंस मान सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस मान सकते हैं। ठीक है, नमस्कार नमस्कार भाई राजवीर नमस्कार। हाँ चलिएगा, अब ही हैड रीड, बिल्कुल सही है, ठीक बात है सर, प्लीज समझा दो वापिस। चलो मैं समझा देता हूँ, देखो दो बातें, जैसे एक तो मैं ऐसे लिखूं, ही रीड्स इंग्लिश,
तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और यदि ऐसे लिखा होता ही रीड इंग्लिश, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कवर हो गई बात है कि यहाँ पर रीड कौन सा टेंस दिखाएगा, पास्ट सिंपल टेंस दिखाएगा। लेकिन यदि ऐसा लिखा होता दे रीड इंग्लिश, तो ऐसी सिचुएशन पे यदि आपको कोई संकेत नहीं है तो उस कंडीशन पे दोनों ही काम कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट सिंपल भी मान सकते हैं और इसको हम कौन सा मान सकते हैं, पास्ट सिंपल भी मान सकते हैं, यदि आपके पास टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है तो। बाकी डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, है ना। बाकी क्या डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, डिपेंड करेगा ही सेड दैट ही हैड रीड इंग्लिश। हाँ बिल्कुल सही है अहमद आपकी बात, हाँ आप राइट हैं, ही सेड दैट ही हैड रीड इंग्लिश अहमद आनंद कुमार, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। क्लियर है ना ये बात, आगे बढ़े इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ लेते हैं। एक बात और समझा देता हूँ आप लोगों को, ये करा थैंक यू, ठीक है भाई दीपांशु आपको धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे। चलो देखो एक बात और हम समझ लें, आपने देखा होगा एट प्रेजेंट आर ई एस एन टी, नाउ स्टिल एस टी आई डब्ल एल, टूडे टी ओ डी ए वाई, ठीक है ना। इस प्रकार की एडवर्ब मैंने आपको समझाई होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। देखो एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, टुडे, दिस डेज, टी एच ई एस ई, दिस डेज, नाउ ए डेज, एन ओ डब्ल्यू, नाउ ए डेज, इस प्रकार की जो एडवर्ब थी हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ी थी, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस प्रकार। तो यदि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ना चाहेंगे कि पास्ट में हमें कौन कौन से एडवर्ब को माना जा सकता है, तो एक तो देन हो सकता है, टी एच ई एन, ये किसका पास्ट होता है, ये नाउ का पास्ट होता है, नाउ का पास्ट क्या होता है, टी एच ई एन, देन हो सकता है, दोज डेज हो सकता है, दोज डेज, ठीक है ना। या फिर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट दैट टाइम भी कह सकते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, इस प्रकार की जो एडवर्ब आपकी होंगी तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग मान सकते हैं, अर्थात वहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सौर्य पटेल, ठीक है ना भाई, सौर्य पटेल अच्छे हैं और आपसे जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छे हैं। दैट डे, हाँ दैट डे भी हो सकता है, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, दैट डे। मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो प्रेजेंट वाली है वो पास्ट में चली जा सकती है। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न कैसे दे सकता आप लोगों से, जैसे एक पर्सन पे हम डिस्कस करना चाहें, मोहन, मोहन ब्लैंक प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट नाउ, एक पर्सन तो ये दे दें। और इसी प्रकार से दूसरा पर्सन यदि हम ऐसे लिखें, इसी पर्सन को हम बढ़ा लें और मैं लिख दूं मोहन प्ले पी एल ए वाई प्ले क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी देन टी एच ई एन, तो दोनों बातें क्लियर है मेरे हिसाब से। यहाँ नाव के कारण से किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर नाव के कारण से प्रयोग हो जाएगा इज प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी। इसी प्रकार से प्ले प्ले यहाँ पर देन के कारण से पास्ट कंटिन्यूस टेंस को दिखा रहा है, इसलिए किसका प्रयोग कर लेंगे अपन, वॉज प्लेइंग का प्रयोग सेंटेंस में कर लेंगे। तो नॉर्मल सी जानकारी है जो आपको आ जानी चाहिए अभी तक, है ना। टुडे का दैट डे होगा, बिल्कुल सही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई रामेश्वर कदम, अब तक कहाँ फंसे रह गए थे तुम, पता नहीं कहाँ रह जाते हो, क्लास शुरू है कितना टाइम हो जाता पता नहीं तुम कहाँ रह जाते हो। चलो कोई बात नहीं, आप जुड़े हो, आपको मोस्ट वेलकम है आप सभी का। अगला प्रश्न बनाता हूँ, उससे पहले आप देख लीजिएगा किस प्रकार की जो गलतियाँ होनी है वो नहीं रहनी चाहिए आपके साथ में, इज प्लेइंग और वाज प्लेइंग, आनंद कुमार बिल्कुल करेक्ट बात है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ए लेटर एल ई डबल टी ई आर ब्लैंक एट दैट टाइम टी आई एम ई, ऑप्शन रख देता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा ऑप्शन समेत। ऑप्शन नंबर ए है जैसे वॉज राइटिंग डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइटिंग डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, ऑप्शन नंबर सी वॉज बीइंग राइटिंग डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, और ऑप्शन नंबर डी वॉज बीइंग रिटन डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आना चाहिए बताना आप लोगों को, हाँ ठीक है अहमद अच्छा करने का प्रयास करो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इज राइटिंग आ जाएगा, दीपांशु कर रहा है इसमें इज राइटिंग आ जाएगा, सूर्य पटेल इसमें ए बता रहा है,
आनंद कुमार इस बता रहे हैं इसके अंदर वॉज बीइंग रिटर्न, और ये कौन सा आ गया, विश्वजीत बता रहा है कि इसमें वॉज बीइंग रिटर्न आ जाएगा। उमा शंकर वॉज राइटिंग बता रहा है, कदम इसमें ए बता रहे हैं, अहमद इसके अंदर वॉज राइटिंग बता रहा है, मनीष यादव डी बता रहे हैं। चलिएगा, आंसर पकड़ में नहीं आया तुम लोगों को, और कुछ बच्चों ने बिल्कुल स्टिक आंसर दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे गलती हुई है ये चीज़ भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ से, कि यहाँ पर हमारी गलतियाँ कैसे हुई हैं। चलिएगा मैं कवर करता हूँ, देखिएगा आप लोगों के और कोई आंसर नहीं आया है, चलो मैं बता देता हूँ अब गलती कहाँ हुई है तुम लोगों से। मैंने कल भी हर बार टेंस पढ़ाते समय, हर टेंस को पढ़ाते समय मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस क्रिया को कर नहीं सकता तो सेंटेंस पैसिव होता है, ये ध्यान में रखनी होगी ये बात आप लोगों को। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस क्रिया को कर नहीं सकता तो सेंटेंस पैसिव में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर ए लेटर लिखने का काम कभी नहीं कर सकता, यहाँ से टेंस तो पहचान में आ गया, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम नहीं है, एट दैट टाइम है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस का प्रयोग करवा सकता है आपसे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करवा सकता है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको किसका प्रयोग करना होता, वॉज राइटिंग का प्रयोग करना होता। लेकिन वॉज राइटिंग गलत क्यों हो गया, यहाँ पर ए लेटर जो लिखा गया है ये ए लेटर किसका प्रयोग मतलब लिखने का काम नहीं कर सकता, इसलिए सेंटेंस को पैसिवाइज लिखा गया है, और इसमें सही आंसर आपका क्या लगना चाहिए, डी यहाँ पर सही आंसर लिखना चाहिए, जो आपका गलत आंसर हो गया है ज़्यादातर का, दो चार बच्चों को छोड़ करके बाकी का गलत आंसर हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा से। यदि अब भी गलती होती है तो यदि किसी को डाउट है तो आप दोबारा एक दो सेंटेंस पे और चर्चा कर लूँ मैं आपसे, यदि किसी को डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, यदि डाउट बचा है अब तो मैं और कुछ कोई क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करूँ आप लोगों से, और यदि डाउट खत्म हो गया तो अपन अगले पॉइंट के ऊपर बात करें। डी यहाँ पर प्रजापत सही हो जाएगा, अब की बार डी आंसर आपका सही है, वॉज राइटिंग नहीं होगा, डी आंसर सही है सर, आया नहीं, नहीं समझ में आया, चलो मैं बता देता हूँ। देखो इसी प्रश्न को हम सिंपल कैटेगरी पे लिखने का प्रयास करें, यदि वास्तव में ये सेंटेंस कैसे था, ये सेंटेंस इस प्रकार से लिखा होगा, समवन वॉज राइटिंग WRITING राइटिंग ए लेटर LETTER लेटर एट दैट टाइम, ये वास्तव में प्रश्न ऐसा था, और इसने इसको क्वेश्चन बना करके कैसा रख दिया, देखो ए लेटर को यहाँ से उठा करके सब्जेक्ट में ले लिया, ए लेटर ये लिखा ए लेटर, और यहाँ ब्लैंक स्पेस में आपसे प्रश्न पूछ लिया, और कोष्टक में क्या वर्ब लिख दी, जैसे राइट लिख दी, और एट दैट टाइम यहाँ पर आपको लिख दिया, ये लिख दिया। मैं दो बातें समझा रहा हूँ, या तो सेंटेंस को इस प्रकार से तोड़ के देख लिया करो, और तोड़ के नहीं देखते हो तो यहाँ जो भी करता आपके सामने होगा वो चेक करके देखो, क्या खुद लिखने का काम कर सकता, लेटर खुद लिख सकता है क्या, नहीं लिख सकता, और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उस क्रिया को कर नहीं सकता तो सेंटेंस पैसिवॉइस होता, नो डाउट ओके बात, चलो मैंने समझा भी दिया वैसे, सर आया नहीं, अब आ गया होगा दीपांशु, देख रहे हो आप, ध्यान देना कि समवन वॉज राइटिंग ए लेटर एट दैट टाइम लिखा है, तो यहाँ पर लेटर खुद लिखने का काम नहीं कर सकता, और जब लेटर लिखने का काम नहीं कर सकता तो सेंटेंस पैसिवॉइस होता है, मतलब जब क्रिया द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगा जाता तो सेंटेंस पैसिवॉइस होता है, और उसका कर्ता कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वॉज रिटर्न यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा, सॉरी वॉज बीइंग रिटर्न कि कंटिन्यूस टेंस की पहचान तो यहाँ से हो ही गई आप लोगों की, तो क्लियर है बात मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिएगा हम अगले टेंस को टेंस की तरफ बढ़ें, अगले टेंस जो है की बात करें, यहाँ पर अगला जो टेंस आपका है कंटिन्यूस टेंस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ऐसा कोई प्रश्न बनता नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, और चाहो तो मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, चलो मैं दो चार क्वेश्चन और डिस्कस कर ही लेता हूँ, फिर एक दो प्रश्न पे और बात कर लेते हैं ताकि अपना सारा मसला ही फिनिश हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक वापस लेते हैं, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, मोहन ब्लैंक डू हिज वर्क एट दैट टाइम, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दो है, जैसे समवन ब्लैंक
sing a song. Then, person number 3. A number of boys play cricket at that time. Number 4th है प्रिया एंड दिनेश blank see at the at that time. क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे एन एप्लीकेशन बैंक राइट देन. हाँ जी, वाज डूइंग, वर प्लेइंग प्लेड और वाज सिंगिंग. मैंने प्रश्न देखे नहीं है, अभी सारे मसले मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से. देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, मोहन डू हिज वर्क एट दैट टाइम. तो नॉर्मल सी बात है, एट दैट टाइम की कार्ड से पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वॉज डूइंग डूइंग. दूसरा प्रश्न देखिएगा, समवन सिंग ए सॉन्ग देन, तो देन के कारण से पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, वॉज सिंगिंग का प्रयोग कर लेंगे, तो नॉर्मल सी बात है. इसी प्रकार से ए नंबर ऑफ बॉयज प्ले क्रिकेट. देखो, एक तो होता ए नंबर ऑफ और एक होता द नंबर ऑफ. ए नंबर ऑफ वाले के साथ में वर्ब आती है प्लूरल की, और द नंबर ऑफ, द नंबर एन यू एम बी या नंबर ऑफ के साथ वर्ब आती है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर की. यहाँ पर ए नंबर ऑफ वाले के साथ वर्ब कैसे लगेगी प्लूरल की, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वर प्लेइंग. यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, वर प्लेइंग आ जाएगा, जो नॉर्मल सी बात है, मैंने काफी बार आपको समझा दी है. प्रिया एंड दिनेश ब्लैंक सी एट द टेबल एट द टाइम. इस समय वो टेबल की तरफ देख रहे थे, मतलब देख रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी तो दिखा नहीं सकते. कंटिन्यूटी दिखा नहीं सकते तो आपको बैक टेंस में जाकर के वर्ब भरनी पड़ेगी. तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा, सा. यहाँ पर आंसर क्या लिखना पड़ेगा, सा लिखना पड़ेगा, जो ज्यादातर का सही है. वाज डूइंग आ जाएगा, वाज सिंगिंग आ जाएगा, वर प्लेइंग आ जाएगा, वर सिंगिंग आ जाएगा, और वाज राइटिंग आ जाएगा. वर सिंग इसलिए नहीं लगा सकते, देखने की बात यदि चल रही है, देखने की यदि बात चल रही है, परसेप्शन वाली वर्ब हो गई भाई. देखने के लिए परसेप्शन वाली वर्ब में किसका प्रयोग नहीं कर सकते आप, आई एन जी का प्रयोग नहीं कर सकते. और जब आई एन जी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो मैंने काफी बार समझा दिया आप लोगों को, अपने से बैक टेंस में जाकर के वर्ब फिल कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया बात. बहल अहमद सिंगुलर होगा, कौन सा, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ. ए नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल का आता है, द नंबर ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल का आता है, लेकिन ए नंबर ऑफ वाले के साथ में वर्ब आती है प्लूरल की, और द नंबर ऑफ वाले के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर की. दोनों बातें आपको ध्यान रखनी होंगी. ठीक है ना, वॉज डूइंग बता रहा है एक में, हाँ ये तो सही है, वॉज डूइंग आ जाएगा, वॉज सिंगिंग आ जाएगा, वर प्लेइंग आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर क्या लगेगा आपका, सा लगेगा. पांच नंबर प्रश्न जो बचा, इसमें क्या आंसर लिखा होगा, चार का फिर से समझाओ. चार वाला देखो, चार वाले में दिक्कत कहाँ हुई, मैंने आपको समझाया होगा, सी जो वर्ब है ना, सी, सी का अर्थ देखना है, और देखना जो वर्ब है ये परसेप्शन वाली वर्ब है, और परसेप्शन वाली वर्ब का कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं हो सकता. कौन से टेंस में प्रयोग नहीं हो सकता, कंटिन्यूस में, जैसे सी है
ये जो सी देखने की परसेप्शन है, थिंक है विचार करने वाली परसेप्शन की क्रिया है, स्मेल करने वाली परसेप्शन की क्रिया है, सुनने वाली परसेप्शन की क्रिया है, मतलब जिनसे हम महसूस करते हैं उन क्रियाओं के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकती। अपन ने ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये बातें खूब अच्छे से समझी हैं। और मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि जब कोई किसी टेंस का एडवर्ब दे रखा होता है और वो वर्ब अपने अंदर आईएनजी नहीं लेती तो अपने से बैक टेंस में जाकर के वर्ब भर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके हो गई बात, क्लियर हो गया क्या बात, कमेंट करके बताना एक बार क्लियर हो गई क्या। मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आप लोगों के। ओके सर ठीक है। अच्छा लास्ट वाला प्रश्न बच गया, चार वाला समझ में आ गया होगा भाई। परसेप्शन वाली वर्ब है वो या पजेशन वाली जो वर्ब है वे अपने अंदर आईएनजी का प्रयोग नहीं ले सकती। आईएनजी का मतलब है कंटिन्यूस टेंस में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो अपने से बैक टेंस में जाकर के इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये चीजें आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हाँ वो तो अलग मैटर है, यहाँ पर परसेप्शन को समझाने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। उमाशंकर बता रहा है कि इसमें वाज बीइंग रिटन आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है उमाशंकर आपका, क्योंकि एन एप्लीकेशन है ना वो खुद तो लिख नहीं सकती, वो किसी के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाज बीइंग रिटन WRITEN। तो ये नॉर्मल सी जानकारी आपको समझाने का प्रयास की गई, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा फिलहाल यहाँ पर। हाँ और बचना भी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यह है। अगले टेंस पे हम बात करेंगे और ये जो अगला जो टेंस है भाई, पास्ट सिंपल जो टेंस है एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रखता है, और एक पास्ट परफेक्ट जो टेंस है जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये जो दोनों ही टेंस हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं पेपर के अंदर, और आपको यहाँ दोनों को ही बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। ओके क्लियर हो गया, ठीक है आनंद कुमार जी आपको धन्यवाद, क्लियर हो गई तो बात। एक बार शेयर करने का आपका मन बन गया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये लीजिएगा आपका नेक्स्ट टेंस आपके सामने उपस्थित है और इसको बहुत डिटेल से अपने को पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ये आपकी परीक्षा के लिए, और बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने का यहाँ से चांसेस बनता है, और मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला तो मुद्दा ही क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। इस टेंस में जो वाक्य की बनावट होती है ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चलो इसको हम दोनों तरीके से ही समझ लेते हैं, इनके दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से क्या क्या गलती करवा सकता। नंबर एक तो मैं स्ट्रक्चर वाली बात करता हूँ, स्ट्रक्चर वाली बात मैं आपसे कर सकता हूँ। जैसे आपके सामने सब्जेक्ट है प्लस इसमें आपको हेड का प्रयोग करना ही होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसका पैसिव वॉइस भी बना सकते हो आप लोग, पैसिव यदि बनाओगे तो आपको किसका प्रयोग करना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, जो भी आपका पेपर में प्रश्न में होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो और अच्छे से समझा सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हाँ चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिखूँ, ही हैड written WRITEN written a letter, नॉर्मल सा सेंटेंस लिया है, ये एक्टिव पार्ट है आपका। यदि हम इसको पैसिव में बदलना चाहें तो कैसे लिख लेंगे, a letter had been written WRITEN written by him और फुल स्टॉप। एक पर्सन तो यहाँ से वॉइस का पूछ सकता है और दूसरा पर्सन आपसे पूछ सकता है नरेशन का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे है और मैं आपके सामने लिखूं, ही सेड कॉमा रिटेड कॉमा शुरू, ही हैड LAYED प्लेड क्रिकेट CRICKET। यदि आपको नरेशन चेंज करना हो तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, कमेंट करके बताना आप लोगों को किसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा। ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम, बिल्कुल सही है अहमद आपकी बात सही है सर, ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट तो होगा ही, ठीक है ना। मतलब अच्छा ऐसे बता रहे हो क्या, बिल्कुल ठीक ये बता रहे हो आप लोग, बिल्कुल ठीक बात है। ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर सके, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना लेंगे अपन, सब्जेक्ट बना लेंगे, बिल्कुल सही बात है, गलती से लिख दिया मैंने।
यहाँ ध्यान देना, दूसरा प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ये जो बात आपको समझनी है कि ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, तो ही सैड, ये तो इसका पेसिविस हो गया, ये इसका नरेशन है, इसका नरेशन आपका क्या आंसर आता है मैं देख लेता हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेड क्रिकेट, अच्छा और बताइए और क्या आंसर दे सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है आप लोगों को। अहमद का आंसर आया कि इसमें हेड बीन आ जाएगा, और बोलिए किसी का आंसर नहीं आ रहा अभी तक, एक बंदे का आंसर आया है अहमद का और वो भी सही नहीं है लग रहा मेरे को, और कोई आंसर देगा नहीं मेरे हिसाब से, मेरे को ही समझाना पड़ेगा। चलेगा, कोई नहीं बता रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, आपने आपने पढ़ा होगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट वाले जो भाग हैं, प्रेजेंट वाले कहाँ चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है, ये चीज़ें आपने समझी होंगी। और जब नरेशन में पास्ट ही दे रखा हो तो पास्ट वाला कैसे बदलता है, पास्ट वाला किस प्रकार से बदलता है, ये चीज़ आपको समझनी। ही हैड हैड प्लेड क्रिकेट, अच्छा काम के आदमी हो तुम तो। आपको समझाया होगा कि पहला दूसरा और तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, पहला तो तीसरे में बदल जाता है और तीसरा चौथे में बदल जाता है और तीसरा और चौथा का टेंस ही नहीं बदलता, तो हम सीधा ही क्या लिख देंगे, ही सैड दैट टोल्ड, तो लिखेंगे ना तब जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, ही सैड, He said that और he had played 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 cricket cricket, okay? तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात थी, टोल्ड मत लिखो यार, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ही टोल्ड, टोल्ड तो कब लिखेंगे, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता, तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऐसा करने का आवश्यकता नहीं होती है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हैड, नो नो हेड हेड नहीं होगा, पहला समझा दिया मैंने आप लोगों को, जब यहां पर पास्ट हो और यहां पर भी पास्ट हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होता है, तो पहला तो मतलब पास्ट सिंपल तो किस में बदल जाता है, पास्ट सिंपल बदलता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता, टेंस, इसलिए जैसा है वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया आपके सामने, आप जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पर लिखे, ही सेड दैट ही हैड हैड बीन, नो ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है आदेश गुप्ता, आपकी बार आपका आंसर सही हो गया है, हैड प्लेड ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जब आपको इस प्रकार का प्रयोग दे रखा हो तो इसमें टेंस परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो हैड हैड बता रहा है ना, इसको भी बता देता हूँ, ये आप कैसे समझ गए इस बात को, यदि पर्सन ऐसे होता He said और कॉमा रेंटेड कॉमा शुरू, He had a car, ऐसा होता तो आपका आंसर इस प्रकार से बदल सकता था, He said that और he, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई अब की बार, तो यहाँ आप दो बार हैड का प्रयोग कर सकते थे, He had had a car, तब आप ऐसा कर सकते थे, अदरवाइज आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। He said that he had had played cricket, ऐसे भी बन सकता था, नो अहमद नहीं बन सकता था, हैड का हैड हैड में कब परिवर्तन होता, जब हैड स्वयं मूल वर्ब के रूप में मौजूद होता, जब हैड खुद मूल वर्ब के रूप में होता तो आप हैड हैड में बदल सकते थे, अर्थात उस कंडीशन पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होती, सेकंड फॉर्म, या तो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है, और जब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, तो हैड का हैड रहेगा, प्ले का क्या रहेगा, प्लेड रहेगा, इसलिए यहां पर टेंस परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात, क्लियर भी हो गई होगी, है ना। चलिएगा अपन अगले पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, या फिर इसी पॉइंट को हम देखते हैं कि कहां से हमने पढ़ना शुरू किया, ये बात आपको यहां से समझनी है, एक बार इस पॉइंट को पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा ओके क्लियर हो गई बात मेरे हिसाब से अहमद, हाँ ठीक बात है आदेश गुप्ता, बिल्कुल सही बात है आदेश गुप्ता, यस सर अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक बार इस पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजो,
आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, इनको भी पढ़िएगा कि किस प्रकार से यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है। हाँ जी, देखिएगा, जब पास की दो घटनाएं हों जिनमें एक पहले घटी हो तथा दूसरी, जब पास की दो घटनाएं हों और जिनमें एक पहले घटी हो और दूसरी बाद में, तो पहली घटना के लिए पास परफेक्ट तथा दूसरी घटना के लिए पास सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। मतलब दो घटनाएं इस प्रकार से घटी हों तो पहली घटना के लिए इसका प्रयोग और दूसरी घटना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब पास सिंपल और पास परफेक्ट का। द कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर इट हैड रीच्ड द केस। इसी प्रकार से द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर वी अराइव्ड। और अगला कह रहा, माई फ्रेंड्स हैड कम बिफोर आई डिड ऑल प्रिपेरेशंस, ठीक है ना। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया, तो आप देखना ये दो बातें समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ मैं बता देता हूँ कैसे समझाने का प्रयास कर रहा है। देखेगा, एक तो चीज सिखा रहा बिफोर के प्रयोग की और एक प्रयोग होता आफ्टर का। बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। बिफोर के पहले आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का। और बिफोर के बाद आप कौन सी वर्ब काम में ले सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल टेंस का। आफ्टर का मतलब क्या होता, बाद में, तो ये तो बाद में होता है, और इसका मतलब हिंदी अर्थ क्या होता, पहले, तो पहले के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आफ्टर का मतलब होता बाद में, तो बाद में के बाद में कौन सा प्रयोग है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो एक्शन घटित होंगी उसके अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। हाँ, टेंस सीक्वेंस होगा, बताऊंगा ये सारी बातें कैसे घटित होती हैं और कैसे अपने को इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सभी बातें मैं आपको अगले ही पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, इसी प्रकार से जैसे अपन ऐसे लिखें, इसको मैं ऐसे समझा दूँ, द पेशेंट PATIENT पेशेंट ब्लैंक डाई बिफोर द डॉक्टर CAME। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म। तो बिफोर का यदि प्रयोग लिखा है तो बिफोर से पहले अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास, आप ऐसा ही करोगे, टाइम पे डिपेंड करता है। ये दो एक्शन हो रही हैं, ये पास के पास की बात समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये देखिएगा, हम ऐसे लेकर के चलें, मान लीजिए ये फ्यूचर है, ये आपका पास्ट है, और ये मान लीजिए आपका प्रेजेंट है PRESENT, और ये आपका क्या है, फ्यूचर मान लीजिए FUTURE। ये कोई एक्स टाइम है, और ये क्या है आपका, मान लीजिए ए बंदा है, ये क्या है आपका बी है, और ये क्या है आपका मान लीजिए सी है, ठीक है ना। आप यहाँ देखना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ से आपकी कौन सी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात रही है, ये आगे किसकी बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ से बैक में जा करके कोई काम करता है तो ये कौन से पार्ट पे काम करेगा, पास्ट में काम करेगा। ये कहाँ काम करेगा, पास्ट में काम करेगा। और इससे भी बैक में जा करके काम करेगा तो ये पास्ट ऑफ पास्ट होगा कि नहीं होगा, पास्ट ऑफ पास्ट है। अर्थात इसका मतलब को क्या हो गया, पास्ट के पास्ट में कोई घटना घटती है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया गया। इस एग्जाम्पल को आप कैसे समझ सकते हैं, देखो, ये मान लीजिए कोई प्रेजेंट का टाइम था, ये आपके पास्ट का टाइम था, आपने यहाँ पर बिफोर का, ये दो सेंटेंस में लिख रखता हूँ, द पेशेंट PATIENT पेशेंट हैड डाइड बिफोर BEFORE बिफोर द डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर केम। ये देखना, आप दोनों सेंटेंस समझने का प्रयास करना फ्रेंड्स, क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं। ये बात आपकी यहाँ से शुरू कर लेते हैं, अपन यहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इससे आगे की बात है। आप यहां से पास की बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर आया था, ये देखिए, जब डॉक्टर आया था तो पास है, मतलब आया था तो उससे पहले ही घटना क्या हो गई, वो पेशेंट है डाइड, पेशेंट मर गया, तो
तो ये पास्ट के पास में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा टेंस काम में ले लेंगे, पास्ट परफेक्ट। अर्थात इसको अपन क्या मान ले, बी, मतलब पास्ट वाले को क्या मान ले, अपन बी मान ले, तो ये क्या आ जाएगा आपका सी। तो बैक में जाते हुए इस प्रकार की घटनाओं का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है, ये बातें आपको समझाने का प्रयास किया गया। पास्ट इंडेफिनिट के पहले वर्क होगा तो अच्छा हेड डाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हेड डाइड, अच्छा ठीक है, बात है। मैं जो बता रहा हूँ वो टाइम स्केल पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप जो बता रहे हो वो किस आधार पे बता रहे हो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मतलब मैं जो समझा रहा हूँ टाइम स्केल को आधार लेकर के बता रहा हूँ। टाइम स्केल में गलती होने के 0% चांस हो जाते हैं, अर्थात टाइम को यदि आधार लेकर के अपन टेंस यूटिलाइज करते हैं तो गलती खत्म हो जाती है, वहाँ पर आपकी गलतियाँ फिनिश हो जाती हैं, इसलिए किसी प्रकार का गलती होने का चांस नहीं होता है, जिस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है बात यहाँ से? चलो अगला पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ यूज कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर किए जा सकते हैं, ये बातें अब आपको देखनी है। चलिएगा हम अगले पॉइंट पे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ऐसे कार्यों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता जो पास्ट के पास में हुए हों, यही बात मैं आपको समझा के लेके आया हूँ। यहाँ से क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है द पास्ट परफेक्ट सिंपल और प्रोग्रेसिव इंडिकेट्स पास्ट इन पास्ट, मतलब पास्ट इन पास्ट में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज ए टाइम फर्दर इन द पास्ट एज सीन फॉर्म इन डेफिनेट व्यू पॉइंट इन द पास्ट। ये क्या कर रहा है, द हाउस हैड बीन एम्प्टी फॉर सेवरल मंथ्स व्हेन आई बॉट इट, ये जब आपने उस घर को खरीदा ना उससे पहले, यहाँ पर बताई थी मैंने बात, ये पास्ट के पास की बात कर रहा भाई, ये पास्ट के पास की बात कर रहा। तो आपने क्या कहा, जब मैंने घर को खरीदा तो ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात है। ये कह रहा है द हाउस हैड बीन एम्प्टी फॉर सेवरल ईयर्स, तो वो कई सालों से क्या था, खाली था, तो ये तो इससे भी पास की बात है। तो पास के पास तो पास में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस में आप या तो बिफोर का प्रयोग करते हैं या फिर आप बिकॉज या वेन आदि से कोई भी, मतलब ये कोई गारंटी नहीं होगी केवल बिफोर वाला ही इस प्रकार की स्ट्रक्चर पर काम कर सकता है, ये वेन वाला भी काम कर सकता था, लेकिन डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। मैं यही तो बात बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप टाइम को नहीं देखोगे तो गलतियाँ होने का चांस होगा, और यदि आप टाइम देख करके इसमें यूज करना चाहोगे तो आपकी गलती खत्म हो जाएगी। आई रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हेड रंग, बिल्कुल सही है, आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उससे पहले सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता था, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है अहमद। ये देखिए क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस आपको समझा दिया, दूसरा कह रहा है ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, He did not play yesterday because he had injured his leg. मतलब यहाँ पर पास के पास में ये कह रहा कि वह क्रिकेट नहीं खेला था, मतलब ये पास की बात कर रहा है, और पास के पास में बिकॉज क्योंकि इससे पहले की बात है, ये घटना पहले घट गई भाई, घायल होने वाली हैड इंजर्ड हिज लेग, उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए वो क्या नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। तो आप फिर देखना यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा पार्ट है आपका, पास्ट पार्ट है, और ये पास्ट का पास्ट है, क्योंकि ये जो घटना है इससे पहले की कौन सी घटना है, ये घटना है। तो ये बात आपको देखनी है, कोई जरूरी नहीं होगा कि आपको बिफोर का प्रयोग ही आपको सिखाया जाएगा, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, टाइम कैसा है। या कह रहा वेन आई बॉट इट, जब मैंने इसको खरीदा तो ये घटना घटी है ना इससे पहले की, तो ये घटना है, ये घटना घटी है ना इससे पहले की, तो कौन सी घटना है, ये इंजर वाली घटना है। तो ये चीज आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं, पेसिवोइस है, कौन सा पेसिवोइस नहीं है, परफेक्ट एस्पेक्ट है भाई, कहाँ दिमाग लगाते हो तुम लोग भाई, ऐसे समझाऊं आप लोगों को, पेसिवोइस कहाँ से हो गया, आप ध्यान दे, पेसिवोइस कहाँ से हो गया, ये हैड बीन की बात कर रहा है, हाँ अच्छा अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या आप लोग, आई बॉट इट, ठीक बात है, फिर भी पेसिवोइस नहीं है। देखो आप कैसे लिख सकते थे, हैड प्लेड लिख सकते थे, हेड प्लेट लिख सकते थे, तो बी वर्ब को कैसे लिखोगे आप बताओ जरा मेरे को, आप बी वर्ब को कैसे लिखोगे, पहला सेंटेंस में हेड बीन कैसे हुआ, अच्छा अभी बताता हूँ, पैसिव वॉइस है भाई, नहीं है पैसिव वॉइस नहीं है, आप ध्यान देना, आप यहाँ ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं, मान लीजिए ब्लैंक स्पेस है, ये मान लीजिए ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर बी वर्ब को यूज करना है, द हाउस एम्प्टी फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन आई बॉट इट, या
बिफोर का प्रयोग से समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को मैं वापस ले लेता हूँ। द हाउस ब्लैंक बी इम्पटी ई एम पी टी वाई इम्पटी फॉर सेवरल एस ई वी ई आर ए एल सेवरल मंथ्स एम ओ एन टी एच एस मंथ्स बिफोर बिफोर आई बोट बी ओ यू जी एस टी बोट इट। आप जरा भर के देखना इसमें बी वर्ब, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी। किसी को डाउट बचेगा तो मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को। किसी ने प्रश्न पूछा, उमा शंकर देखना जरा, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो जरा ध्यान देना पेशी हुई क्या है, देखना जरा, ठीक है ना। मतलब घर को खाली रखा गया, मतलब घर खाली रहा था, काफ़ी सालों से घर खाली पड़ा हुआ था, तो इसमें एक्शन तो की नहीं जा रही भाई। यहाँ पर घर को खाली रखा गया, यहाँ पर एक्शन तो करवाई नहीं गई आपसे, एक्शन नहीं करवाई गई, तो यहाँ पर यूज़ करोगे तो कैसे करोगे। मतलब बिफोर का प्रयोग है सेंटेंस में, बिफोर से पहले किसका प्रयोग करते हो आप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते होंगे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरिएगा आप। ये हैड तो हैड आ ही गया, और बी का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से बात, जो मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पास के पास में हम कैसा प्रयोग कर सकते हैं, ये बातें मैंने आपको यहाँ से समझाने का प्रयास किया है। जो गलती पेपर में करवा देता है काफ़ी बार आप लोगों से, और वो चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए आगे चल करके, और यदि गलती होती हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, ठीक है। समझ गया, समझा गए तो चलो अच्छी बात है। हम अगले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। ये लीजिएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, और आपके सामने ये लिखा है, ये क्या करा देखिए, अगले पॉइंट पे समझा रहा है, होप एक्सपेक्ट थिंक मीन इंटेंड सपोज वांट जैसे वर्ब के साथ पास परफेक्ट टेंस के प्रयोग से यह पता चलता है कि पास का कोई कार्य जिसकी उम्मीद की गई, जिसके बारे में सोचा गया, पूरा नहीं हुआ, जैसे अर्थ में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि पास जो वर्ब्स का प्रयोग पास परफेक्ट टेंस में, मतलब दो चीज़ें यहाँ पर समझाने का प्रयास की गई है। मैंने दोनों सेंटेंस आपको समझाए हैं, और दोनों सेंटेंस को मैं समझाऊंगा, और आप समझना कि यहाँ क्या मंत्र हो सकता है। यहाँ पहला सेंटेंस कह रहा है, आई होप दैट ही वुड कम, आई होप दैट ही वुड कम, मैं आशा करता हूँ कि वह आएगा। इस सेंटेंस का मतलब है कि वह आया है, ठीक है ना, वह आया। आई होप दैट ही वुड कम, आई होप दैट का मतलब है, और आई होप्ड, मेरी आशा थी कि दैट ही वुड कम, वह आएगा, और इस सेंटेंस का मतलब है कि वह आया है, वह आया। और नीचे वाले में करा, आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, और वह नहीं आया, पूरा नहीं हुआ। यही तो बात समझाने का प्रयास कर रहा है। जब आप पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हो काल्पनिक पोजीशन पे इन क्रियाओं का, तो इसका मतलब है वो एक्शन होगी, हुई थी, और जब आप इस प्रकार का प्रयोग कर देते हो तो इसका मतलब है वो एक्शन नहीं हुई। आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम, मेरी आशा थी कि वह आया होगा, लेकिन वह नहीं आया, ठीक है ना। ऐसा समझाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, क्लियर है बात। मैं फिर समझा देता हूँ, होप एक्सेप्ट थिंक मीन इंटेंट सपोज वांट जैसी जो वर्ब है, इनमें पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रयोग से यह पता चलता है कि पास्ट का कार्य जिसकी उम्मीद की गई थी, जिसके बारे में सोचा गया था, वो क्या नहीं हुआ, जरा पढ़ के देखना, वो क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। यदि आप पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हो तो जो आशा की गई है वो पूरी हुई थी, और जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हो इन क्रियाओं के साथ, तो इसका मतलब जो आशा की गई थी वो पूरी नहीं हुई। क्लियर है बात। ये बहुत यूज करने वाली स्थिति में आपको सेंटेंस में ही अंतर पर नजर आ जाएगा। दोनों ही स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन मीनिंग बहुत खतरनाक है दोनों का। या क्या करा है, आई होप दैट ही वुड कम, मेरी आशा थी कि वो आएगा, मेरी आशा थी वह आया, मेरी आशा थी कि वो आया था, इसका मतलब वो आया। और आई हैड होप्ड, मेरी आशा हो चुकी थी कि वो आएगा लेकिन आया नहीं, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने पर नेगेटिव अर्थ प्रदान किया जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। और ये आपके एयरफोर्स में एक प्रश्न आता है कई बार ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट आता है, वो चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, बात ध्यान देनी है आप लोगों को। बहुत शानदार कलेक्शन है ये, स्पोकन के लिए बहुत खतरनाक है, और स्पोकन में आपकी बहुत बड़ी त्रुटि करवा देता है, आपके बोल बोल में फर्क हो जाता है। आई थॉट आई वुड सक्सीड, मैंने सोचा था सफल हो जाऊंगा,
और सफल हुआ है वो। मैंने सोचा सफल होने का और सफल हो गया। ये कह रहा आई हैड थॉट दैट आई वुड सक्सीड, कि मैं ऐसा सोच चुका था कि मैं सफल हो जाऊंगा, मतलब सोच चुका था। एक्शन इज कंप्लीटेड पास इन पास, पास के पास में घटना घटी, इसका मतलब वो तो एक्शन पूरी पहले से ही हो चुकी है, इसका मतलब वो सफल नहीं हुआ। आई वॉन्टेड टू सी यू, मैं तुमसे मिलना चाहता था और मिला है वो। और आई हैड वॉन्टेड टू सी यू बट अनफॉर्चुनेटली आई फील इल, मतलब दुर्भाग्य से वो क्या हो गया, ऐसा उसने महसूस किया और वो कर नहीं पाया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ लेनी है। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं होने का। सर पास परफेक्ट का रूल क्या है, अभी बताता हूँ। ज़्यादातर जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो इस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में आता है। और आपको दो रूल मैंने आपको समझाए हैं, एक तो पास का जो पास्ट है ये जो रूल है आपके पेपर में पूछ लेता है, और दूसरा जो है इस प्रकार का तो स्पोकन में ही काम लेते हैं अपन लोग। या फिर जो दूसरा जो रूल है आप लोगों का वो कैसा पूछ सकता है आप लोगों से, ये ध्यान देना। इस प्रकार का जो पॉइंट है ये इसमें आपसे कैसा प्रश्न करवा सकता है, ये जो प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा ये दो चीज़ों से करेगा, या तो बिफोर का प्रयोग करेगा या आफ्टर का प्रयोग करेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट में जो एडवर्ब पढ़ी हैं वो सारी की सारी पास्ट परफेक्ट में भी आ सकती हैं। ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, लेटली, ये जो तमाम एडवर्ब्स हैं ये सारी की सारी पास्ट टेंस में पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ में कोई न कोई एक ऐसा सेंटेंस दिया मिलेगा जिसके कारण से आपको वो वर्ब वहाँ से भरनी होगी। चलो एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे कुछ प्रयास कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रश्न आपसे एग्जामिनर दे सकता है। द ट्रक ब्लैंक LOAD लोड बिफोर BEFORE बिफोर आई रीच्ड देयर RECHED रीच्ड देयर, ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो कृपया करके यहाँ आपसे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा ऑप्शन यहाँ पर लिखा जाना चाहिए या फिर क्या आंसर आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कैसा आंसर आपका हो सकता है, या फिर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं ज़्यादा ठीक रहेगा, हेड आ जाएगा, चलो अच्छी बात है। फरमाइएगा कि यहाँ पर हमें कैसा ऑप्शन लिखना चाहिए। कोई आंसर, एक बंदे का आंसर आया है आनंद कुमार जी का, एक हेड लोड LOADED। चलो अच्छी बात है, हेड आ जाएगा, बस अकेला हेड लिख दोगे। देखो ध्यान देना आप लोग, आप ध्यान देना, ये लिखा है बिफोर, बिफोर का प्रयोग है। बिफोर के पहले किसका प्रयोग करना पड़ता है, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो नियमानुसार तो आंसर क्या आना चाहिए था, हैड लोडेड आना चाहिए था, LOADED आना चाहिए था, जो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, ट्रक स्वतः लोड नहीं हो सकता, वो किसी के द्वारा लोड किया गया है, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैसिव। और जब इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आंसर आना चाहिए हैड बीन लोडेड। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, LOADED आना चाहिए, जो आपका नहीं आ पाया, ठीक है ना। हैड बीन लोडेड आपका सही आंसर आएगा। सबसे पहले आंसर किया है आप में से आनंद कुमार जी ने, और उसका सबसे अच्छा आंसर था। आनंद कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो पैसिव वॉइस, हाँ बिल्कुल सही आनंद कुमार, बिल्कुल सही बात है। मैंने दोनों बात समझाई है भाई, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या होगा, हैड लोडेड होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रक है वो अपने आप लोड नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बन गया, पैसिव बन गया। और पैसिव लिखोगे तो आपको इस प्रकार का यूज सेंटेंस में करना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, बिफोर BEFORE बिफोर ही ब्लैंक अंडरस्टैंड UNDERSTAND अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग द थिप, द थिप THIEF
रन अवे। तो यहाँ पर कैसा आंसर आना चाहिए, दोनों बातें आपको समझनी है। ये तो पेशेंस, हाँ ठीक है बात है, पहले वाले और दोनों वाला। देखो यदि सेंटेंस के प्रारंभ में बिफोर का मिले तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हकीकत में कहाँ का था, इसके पहले का। तो बिफोर से पहले वाले में इसने क्या भर रखा है, एड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के बाद वाले में किसका प्रयोग करोगे आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अंडरस्टूड हो जाएगा, यू एन डी ई आर एस टी डबल ओ डी, अंडरस्टूड हो जाएगा। क्लियर है ना बात, हैड अंडरस्टूड नहीं होगा दोस्त, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म। हाँ अंडरस्टूड हो जाएगी, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड हो जाएगा, बिल्कुल सही। अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। और आपका गलती भी नहीं है, आपका आंसर सही आया है, सभी का आंसर सही आ रहा है आपकी बार। लेकिन विश्वजीत आप समझने का प्रयास करो, क्लियर है, ठीक है ना। मनीष कुमार अच्छा, अच्छी बात है। नवीन, नवीन सिंडवा अंडरस्टूड हो जाएगा। नवीन काफ़ी दिनों से जुड़े हो शायद आप लोग, आप कहाँ कौन सी दुनिया में व्यस्त रहते हो पता नहीं आजकल। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट आपका आपके सामने है और ये क्या करा देखे। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में जो बदल दिया जाता है। तो नॉर्मल बात है, तो ये देखेगा, सी सेड ज्योति हैज डन वेल। तो आंसर क्या आ गया इनडायरेक्ट, सी सेड दैट ज्योति हैड डन वेल। यहाँ हैज या हैव किसमें बदल जाते हैं, हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो आंसर क्या आ गया, सी हैड लॉस्ट हर पर्स। और हैड होता तो चेंज नहीं होता, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं होती है। थोड़ा जल्दी कर दो, इसलिए गलती हो गया, कोई बात नहीं, गलती थर्ड फॉर्म का क्या होती है, यही होती है, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। क्लियर है ये बात, यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। और ये बातें मैंने आपको यहाँ से समझाने का प्रयास की हैं और गलती बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ से पास्ट के पास्ट वाली जो बात है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। और एक अनरियल जो कंडीशन है उसके ऊपर प्रश्न बन सकता है, यहाँ देखना दूसरी बात क्या करा है, दूसरा कौन सा चेंज होकर के आ सकता है। ये भी बात मैंने अभी आपको पहले शुरुआत में ही समझा दी है, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। ये बात मैंने आपको समझा दी पहले ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, ये बात आपको समझाई है। अर्थात पास्ट जो सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पी ई आर एफ ई सी टी, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ये बात मैंने आपको काफ़ी बार समझा दी है और नॉर्मल बात यहाँ से है, ये इसके ऊपर कोई ज़्यादा बहसबाजी भी नहीं है आप लोगों की। तो सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल होगा कल भी क्लास, अब आज अभी तो अभी यही चल रहा है, अभी चल रहा है, कल की तो बात छोड़िए आप, चलिएगा नेक्स्ट बात करें अपन, नॉर्मल सी बात है। अगली बात पे क्या कह रहा है आपसे, पास की अवास्तविक परिस्थिति, बहुत शानदार बात है, पास की अवास्तविक अनरियल जो सिचुएशन है का, या कोरी कल्पना अनफुलफिल्ड विश डिजायर के लिए आई विश बी विश दे विश एज इफ एज दो के साथ भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि ये बहुत डेंजर बात है, ये भी वही बात है, देखो आई विश, जैसे मैं ऐसे लिखूं, आई विश आई हैड ए कार, काश मेरे पास एक कार हो, तो हो भी सकती है कभी ना कभी, कभी ना कभी क्या हो सकती है, काश मेरे पास एक कार हो, इसका मतलब यह है कि उसने कल्पना की है और वो कल्पना भविष्य में हो सकता कभी ना कभी पूरी हो जाए। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन पे आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर दिया, तो वो जो कंडीशन है वो कभी भी पूरी होने वाली ही नहीं होती। देखिएगा, आई विश आई हैड बीन बोर्न इन 1875, काश मेरा जन्म 1857 के अंदर हुआ होता, 1857 में हुआ होता, तो इसका मतलब कभी हो सकता है क्या, मतलब ऐसी कोई कल्पना की गई है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। ही टॉक्स टू मी एज इफ ही हैड कम फ्रॉम हेवन, वह ऐसे बात करता है मानो कि वह कहां से आया हो, स्वर्ग से चल के आया हो। तो ये अनफुलफिल्ड अनरियल कंडीशन है या अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए
पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इसके बाद में किया जाता है, अदरवाइज ऐसे सेंटेंस में हमें किसका प्रयोग किया करना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। लेकिन यदि हमें सिचुएशन अनरियल सिचुएशन दिखानी होती है तो उन इस प्रकार के सेंटेंस में जैसे आई विश है, ही टॉक्स है, एज इफ है, एज दो है, इनके साथ हमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग। कल ही मैंने आपको समझाया था पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन यदि पास्ट सिंपल टेंस का ऑप्शन ही नहीं है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में कर सकते हैं जो आपकी कौन सी कंडीशन को दिखाता है, अनरियल सिचुएशन को दिखाने का कार्य करता है, ठीक है ना, जो आपकी अनरियल सिचुएशन को दिखाने का प्रयास करता है। वर होगा, वर तो कब होता, बिल्कुल सही बात है, यदि ऐसी सिचुएशन ऐसे होता आई विश, आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, यदि आप वर लगा दोगे तो इसका मतलब है काश मैं एक कार होता, जो संभव ही नहीं है, ठीक है ना, काश मैं एक कार होता, तो कार कैसे बन सकते हो आप लोग, आई वर ए बर्ड, तो ये सिचुएशन दिखाने, आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन है जो कभी हो भी सकता है पूरी हो जाए लेकिन चांसेस न के बराबर रहते हैं। और यदि परफेक्टिव यूज कर दिया तो इसका मतलब तो है ही अनरियल सिचुएशन, तो वास्तविक कभी बन ही नहीं सकती भविष्य में या कभी भी, हैं, ये तो ऐसी सिचुएशन है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार के टेंस का प्रयोग आप सेंटेंस में कर सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है और जो यूज करवा सकते हैं। हीट ये हो ही गया अपना। अगला कह रहा ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वह ऐसे ऐसे बोलता है कि मानो कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, तो संभव ही नहीं ऐसा इस प्रकार का करना या कर हो पाना। ही बिहेव्स, सॉरी सी बिहेव्स, वह ऐसे व्यवहार करती है एज इफ मानो कि सी हैड रिटर्न फ्रॉम पेरिस, कि वो पेरिस से चल करके आई हो। तो मतलब इस प्रकार की अनरियल जो सिचुएशन है उनको दिखाने का प्रयोग सेंटेंस में करना हो तो आप आई विश और आई वी विश या दे विश या एज इफ या एज दो के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हो, तो बहुत शानदार बात है। हाँ, कुछ भी बन सकता है इंसान, टेक्नोलॉजी का सामान, हाँ बना दो, देखी जाए भाई क्या क्या बना के छोड़ोगे तुम इंसान को, ठीक है ना, मशीन बना दिया है ना। चलिएगा, अगला पॉइंट है ये देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चरल प्रश्न पूछ लिया जाता है कई दफ़ा, इस प्रकार का स्ट्रक्चरल जो मैंने आपको तैयार कर किया है आप लोगों के लिए, ये क्या किया गया, पास्ट के अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड जो विश है पास्ट की, भूतकाल की अनफुलफिल्ड विश है, और या कंडीशन या डिजायर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित बनावट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इफ का प्रयोग करो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर इस हेड को कहाँ लगा दो आप वाक्य के प्रारंभ में लगा दो तो ये इफ को क्या कर देंगे अपन, इरेज कर देंगे। तो दोनों ही सिचुएशन पे आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड कुड माइट या वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हैव और आता भाई, इसमें हैव का प्रयोग और करना होता, ठीक है ना, वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा प्रयोग करना होता। हाँ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा लिख नहीं पाए होगा हमारे करना बाबू साहब, देखिएगा ये कह रहा, इफ आई हैड वर्कड ऑनेस्टली आई वुड हैव सक्सीड, ये कह रहा कि यदि वो ईमानदारी से काम करता ना, इफ यदि मैं ईमानदारी से काम करता तो आई वुड हैव सक्सीड, तो मैं सफल हो जाता, इसका मतलब न तो इसने ईमानदारी से काम किया और नहीं वो सफल हुआ, दोनों ही सिचुएशन है, ठीक है ना, ये चीज बताने का यहाँ पर प्रयास किया है कि वह न तो उसने भाई आई हैड वर्कड ऑनेस्टली, यदि मैं ईमानदारी से काम कर चुका होता आई वुड हैव सक्सीडेड, तो मैं सफल हो चुका होता, इसका मतलब उसने ईमानदारी से, न तो ईमानदारी से काम किया नहीं वह सफल हुआ। तो यहाँ पर कुड वुड प्लस
माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें काम मिली जाती है, और यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डायरेक्ट पर्सन पूछ लिया जाता है। यहां ब्लैंक स्पेस देकर के पर्सन पूछ सकता है और यहां ब्लैंक देकर के पर्सन पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से पर्सन पेपर वाला पूछ सकता है। इफ यू हैड प्रैक्टिस रेगुलरली, यदि वह रेगुलरली प्रैक्टिस कर चुका होता, यू वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो तुम फर्स्ट प्राइज जीत चुके होते। तो न तो आपने रेगुलरली प्रैक्टिस किया है और न ही आपने क्या जीता है, प्राइस जीता, तो दोनों ही सिचुएशन दिखाने का यहां पर प्रयास किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। हेड प्लस नाउन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कौन सा बता रहे हो आप? ना, ये कोई जरूरी नहीं है। हेड का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में कर दिया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको कौन सी फर्ब फॉर्म लिखनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म में लिखनी होगी, यहां तो कोई डाउट है ही नहीं। देखो हम दोनों बात, इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड, इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि तुम मेरे पास आ चुके होते तो मैं तुम्हारी सहायता कर चुका होता। तो दोनों बातें बताने का प्रयास किया गया है। आप चाहते तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते थे? आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, हैड यू कम, इसका मतलब आपको थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही लिखनी होगी। हैड यू कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है ना? ये बातें आपको समझाई हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात मेरे हिसाब से? तो यहां पर डाउट नहीं बचना चाहिए आप लोगों का। चलो ये एग्जांपल समझाया भी है यहां पर। इफ द डॉक्टर हैड कम ए लिटिल बिफोर, यदि डॉक्टर थोड़ा सा पहले भी आ चुका होता, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, तो पेशेंट नहीं मरता। इसका मतलब डॉक्टर का टाइम पाया नहीं और पेशेंट भी नहीं बचा। हैड द पुलिस नॉट कम, यदि पुलिस टाइम पे नहीं आई होती, द थीफ वुड हैव रन अवे, तो चोर भाग गए होते। इसका मतलब पुलिस टाइम पे आ गई और चोर पकड़ में आ गए, तो दोनों बात हो गई। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते थे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इफ द पुलिस हैड नॉट कम, ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो ये चीजें आपको समझाने का प्रयास किया। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ये कोई जरूरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, कोई सेंटेंस बताओगे तो बता, स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी आप कैसा बताने का प्रयास कर रहे हो सेन, ठीक है ना? चलिएगा, ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके पेपर में पूछ लिया जाता है और जो आपसे गलती करवा लेता है। क्लियर है बात मेरे हिसाब से? कोई गलती होने का चांस ही पैदा नहीं होता यहाँ से। एक दो प्रश्न के ऊपर और चाहें तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। ये लीजिएगा अपना नेक्स्ट जो टेंस है जिसके ऊपर आप यहां चर्चा करने वाले हैं, और वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है, या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी आप कह सकते हैं। इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, और जो अन्य जो स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं, मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो होगा इसका कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस का प्रयोग करवा सकता है, फॉर का प्रयोग करवा सकता है, प्लस टाइम का प्रयोग करवा सकता है। यहाँ मैं इस बात को दोबारा आपके सामने रिपीट नहीं करूँगा कि सिंस और जो फॉर का जो प्रयोग है वो कल अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पढ़ा होगा कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो जाता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। यहाँ मैं इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आपसे चर्चा करने वाला नहीं हूँ। आपको यदि जानकारी नहीं है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर दोबारा बात करूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको दोबारा सेंटेंस को या फिर दोबारा स्ट्रक्चरल पोजिशन को समझाने का या दोबारा सेंटेंस में सिंस फॉर का यूज़ करवाना ज़्यादा उचित नहीं होगा। मैं केवल बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लेके चलें, He had been singing a song since morning, M-O-R-N-I-N-G। नॉर्मल सी बात है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है।
तो ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसे टेंस फिनिश होंगे उसके बाद मैं एक प्रयोग आपको सिखाऊंगा सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम वाला जो मैटर है, इनके साथ हम तीन टेंस को एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है ना। तो ये बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। यहाँ से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, मैं बता देता हूँ। एट दैट टाइम ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर सिक्स आवर्स। देखो एक तो कंटिन्यूटी यहाँ से दिखा दी इसने वर्तमान की, और यहाँ पर इसने टाइम दिखा रहा, तो दोनों सिचुएशन एक साथ दे रहा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। इसी प्रकार से करा है, ही नीडेड सम रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। तो नीडेड सम रेस्ट आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम और दे रखा तो आप इसका टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यू हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन द डांस टीचर कैम। डांस टीचर जब आया था ना, तब आप कितने समय से डांस कर रहे थे, 2 घंटे से वहाँ पर डांस कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन पे इसका टेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 1/2 आवर, मतलब 1/2 आवर 1.5 घंटे से आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मैं उससे मिलने के लिए आया था। तो ये चीज़ें नॉर्मल सी बातें हैं, इसके ऊपर आपको ज़्यादा बहस करने का भी यहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं है। इफ ही हैड मनी और ही वुड गो टू, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये तो चलो मैं आपको बताना ही पड़ेगा। इफ वाला जो पार्ट है, इस पे आपको तीन प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। देखो ये इफ वाला पार्ट है, इसमें सब्जेक्ट दे करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है, तो आगे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, एक बात। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट दे करके वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम में ले सकते हैं। लेकिन इसी में दूसरी इकाई क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, शुड या वुड का प्रयोग कर सकते हैं, शुड या वुड, और अमूमन ऐसे सेंटेंस में वुड का प्रयोग करना चाहिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी 2 नंबर की बात है। 3रे नंबर की बात क्या कर रही है, इफ़ वाले के साथ में, ये इफ़ वाला मैटर है, और इफ़ वाले के साथ में सब्जेक्ट प्लस एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे वाले भाग में किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड या वुड, WOULD, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। आप क्या प्रश्न पूछने का, इफ ही हैड मनी ही वुड गो टू दिल्ली। आप सेन, आप ध्यान देना, आप कौन से चैप्टर पे बात कर रहे हो, 2 नंबर इकाई पे बात कर रहे हो आप। यहाँ पर आपने हेड का प्रयोग लिखा है, हेड का मतलब ये आपने कौन सी फॉर्म लिखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे वाले भाग में आपने क्या काम में ले लिया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले लिया, ये चीज़ बात को बताई गई है, ठीक है ना। हीराराम सुथार थे, क्लियर है सर, ठीक बात है। सेन बात समझ में आ गई ना, जो आपने प्रश्न लिखा है कि इफ ही हैड मनी ही वुड गो टू दिल्ली, ये बात आपने कौन से स्ट्रक्चर पे बात की है, सेकंड नंबर स्ट्रक्चर पे पूछ रहे हो आप लोग। यहाँ पर हैड होता, जो आपका प्रश्न है इफ ही हैड लिखा होता तो आगे वाले भाग में आपको किसका प्रयोग करना पड़ता, वुड हैव गोन लिखना पड़ता, ओके। तो अच्छी, चलिए बात आपकी क्लियर हो गई है। तो आपने तीन प्रकार से प्रश्न आपसे एग्जाम से डायरेक्ट पूछ सकता है कि इफ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे वाले में सेल या विल का प्रयोग कर लेते हैं, और इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले में शुड या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ले लेते हैं, और इफ वाले भाग में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होता, अमूमन ऐसे सेंटेंस में वुड का ही प्रयोग होता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तीसरी जो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वाले भाग में शुड या वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस में करना चाहिए। ये बातें आपको समझाने का प्रयास की गई है। वंस रिपीट प्लीज, एग्जाम्पल से रिपीट करूँ क्या, चलो एग्जाम्पल से रिपीट कर देता हूँ। तो भाई जब बात शुरू कर ही दी है आप लोगों ने, देखिए जैसे मैं ऐसे लिखूँ, इफ ही कम्स हियर आई सेल हेल्प हिम, तो ये नॉर्मल बात है आप लोगों के लिए।
या तो पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है या यहाँ से वर्ब भरवा लेता, तो दोनों ही बात हैं। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है जो रियल कंडीशन है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम ऐसा हो जाओगे, मतलब इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता कर दूंगा। यदि आता है तो मैं क्या करूंगा, उसकी सहायता कर दूंगा। इसका मतलब फुलफिल कंडीशन है, पूरा होने का चांसेज है यहाँ पर। दूसरी बात, यदि दूसरे में कह रहा है इफ ही केम हियर, ही केम हियर, तो यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ता, आई शुड हेल्प हिम, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता था। तो या तो ये वर्ब भरवा लेता आपसे या फिर ये वर्ब भरवा लेता। इसी में एक स्ट्रक्चर और तैयार हो सकती है, इसी में एक स्ट्रक्चर और तैयार हो सकती है, वो स्ट्रक्चर ये है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना। और यदि यहां सेंटेंस में आपको इफ खत्म करना होता तो आप किसका प्रयोग करते, वर का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में कर सकते थे, वर आई ए बर्ड, ऐसा भी सेंटेंस आप लिख सकते थे, ठीक है ना। तीसरी बात यदि हम लिखना चाहें इसी पर्सन से, जैसे मैं ऐसे लिखूं, इफ ही हैड कम आई शुड हैव हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड हिम, इस प्रकार से तीनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये बातें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ऐसी सिचुएशन आने पर हमें ऐसा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया जसू सिंह राठौड़, ठीक है ना। वंस रिपीट कर दिया है, रिपीट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, अब की बार कोई दिक्कत नहीं बची होगी आप लोगों के सामने, क्लियर है ना। हाँ, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के पास में, और अपने अपने जो ग्रुप बना रखे हैं तुम लोगों ने, उन ग्रुप के अंदर जो आपके बराबर तैयारी करने वाले हैं कंपटीशन की, तो उनके पास एक बार ईमानदारी से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ये सूचना उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए जो इसको डिजर्व करते हैं, या जो जिसके लिए वो जिनको इनकी आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें उन लोगों के पास पहुँच जानी चाहिए। चलिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। चलो एक प्रश्न बना लेता हूँ फिर यहाँ से मैं आपके सामने, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, क्वेश्चन है जैसे, had he played cricket, he would have won the prize। यहां पर एक प्रश्न आपके सामने लिखा है और इसमें आपको आंसर कमेंट करना है कि दोस्तों इसमें आंसर क्या आना चाहिए। एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसमें आपको आंसर कमेंट करना है कि इसमें सही आंसर आपका क्या आना चाहिए। सेन क्लियर है, क्लियर तो हो गया, लेकिन इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है आप लोगों को, इसमें आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों। पेशियोस बना दिया ना, देखो अभी मैंने आपको समझाया है ये बात, ये देखो यही प्रश्न है केवल, ये इसमें वर्क को बाहर निकाला तुम लोगों ने, यहां से वर्क को बाहर निकाला, तो यहां से किसको बाहर निकाल सकते थे, हेड को, इसने हेड को बाहर निकाल दिया, तो हेड के साथ में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। करता तो क्रिया को कर ही सकता, ये तो कर ही सकता है, तो दिक्कत क्या आ गई, यहां तो हैड ही प्लेड आंसर हो जाता, यहां पर आंसर क्या हो जाता। अच्छा ऑप्शन देता, चलो आपकी बार ऑप्शन दे देता हूं, क्वेश्चन है जैसे ब्लैंक ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ऑप्शन नंबर ए
वॉज ऑप्शन नंबर बी हैड, ऑप्शन नंबर सी हैज और ऑप्शन नंबर डी वर। ऑप्शन नंबर दो में आपको आंसर कमेंट करना है। प्लेड आ जाएगा ठीक है आनंद कुमार। उमाशंकर प्रजापति इसमें जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शक घर गए, ठीक बात है। वर आ जाएगा अब की बार नेवी पार, बिल्कुल सही बात है, पार करना ही है वो तो आप लोगों को। यहाँ पर क्लियर हो गई ना बात, आपकी बार पता चल गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर आपने आंसर क्यों लिखा है, ये बात आपको यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। तो नॉर्मल सी जानकारी थी, यहाँ से कोई विशेष बात नहीं रखी थी मैंने आपके सामने। ये कहाँ से शुरुआत करवा लिया आप लोगों ने, मैंने क्या समझाया होगा, अच्छा अच्छा सिंस फॉर ऑल की बात यहाँ पर चल रही थी, तो इस टेंस को समझाते समझाते बीच में सिंस फॉर ऑल वाली बात आ गई, इसमें इफ वाली, अच्छा कोई प्रश्न पूछ लिया आप लोगों ने, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये डिटेल अपन ने यहाँ से कवर कर लिया है। अपन यहाँ से बात करने वाले थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इसमें किस प्रकार के प्रयोग सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं, ये बातें मैंने आपको यहाँ से समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वन, अगली बात यहाँ पे आपको समझाई गई है और ये कह रहा है, देखिएगा पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। यहाँ पे कहा गया है जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल दिया जाता है। तो ये बातें बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास की गई हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई डाउट बचना नहीं चाहिए आप लोगों का। हाँ हेड आ जाएगा ठीक है, उसमें तो वो तो बात ही गई पीछे। यहाँ पर समझाने का प्रयास आप लोगों को क्या किया गया है, डायरेक्ट वगैरह नथू सेड आई हैड बीन सिंगिंग, सॉरी आई हैव बीन सिंगिंग ए सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये हैज किस में बदल गया आपका, हैड में बदल गया, हैड बीन सिंगिंग। इसी प्रकार से डायरेक्ट इसमें कह रहा नीरा सेड आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, आई हैव बीन किस में बदल गया आपका, ये सी के अनुसार नीरा के अनुसार सी में बदल गया, तो सी हैड बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। दोनों बातें क्लियर हैं। यहाँ पर आई किस में बदला, ही में क्यों बदला, नथु के अनुसार। यहाँ पर आई नीरा के अनुसार किस में बदल गया, सी में, और हैव बीन किस में बदल गया, हैड बीन में। यहाँ हैव बीन किस में बदल गया, हैड बीन में बदल गया। तो नॉर्मल प्रश्न यहाँ से आपको दिया गया है, इसके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं बचता है। तो ये हमारी पास्ट जो टेंस है, पास्ट टेंस की जो श्रृंखला है वो हमारी फिनिश है। यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ और आपको प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है, पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये देखिएगा। मोहन ब्लैंक ए मैंगो यस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई। ऑप्शन नंबर ए कट, ऑप्शन नंबर बी टू कट, ऑप्शन नंबर सी कट्स और ऑप्शन नंबर डी कटेड। आपको कमेंट करके बताना कि इसमें सही आंसर आपका क्या आना चाहिए। मोहन ब्लैंक ए मैंगो यस्टरडे कट, सी यू टी कट। दूसरा ऑप्शन है सी यू टू कट। तीसरा ऑप्शन है कट्स और चौथा ऑप्शन है कटेड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आना चाहिए। मनीष कुमार इलाया सेन ए बता रहे हैं इसके अंदर, कुछ लोग कट बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, दीपक कुमार कट बता रहा है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसमें कट बता रहे हैं आनंद कुमार, इसमें कट बता रहे हैं। तो ये बात कैसे क्लियर हो गई देखना आप लोग, कि जो कट जो वर्ब है सी यू टी, सी यू टी और सी यू टी, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, इस बराबर होती, कट 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 होती हैं। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म काम में ली जाती है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या लग जाएगा, कट लग जाएगा, सी यू टी, ठीक है ना। क्लियर है ये बात यहाँ से, तो किसी को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। इसमें दूसरा प्रश्न आपका क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आपसे पेसिव का, इसी प्रश्न से दूसरा प्रश्न क्या बना सकता है, पेसिव का प्रश्न तो बन ही गया आपका, ही कट ए मैंगो यस्टरडे। तो जल्दी से इसका पेसिव वॉइस और कमेंट करिएगा जल्दी से आप लोग, इसमें पेसिव वॉइस क्या बना सकते हो आप लोग।
जल्दी से इसका पैसिव कमेंट और कर दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट बचेगा नहीं। चलो यार मैं समझाऊँ आप लोगों को, मनीष रॉय करा कि इसमें कट आ जाएगा, मनीष कुमार कट आ जाएगा, इलियासेन कट, आनंद कुमार सबका आंसर सही है, एक भी बंदा ऐसा ऐसा नहीं है जिसका रॉन्ग आंसर हो, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो जल्दी जल्दी से एक आंसर दूसरा पूछा मैंने, इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे ए मैंगो, तो ए मैंगो आ गया, इसके साथ क्या लिखोगे लिखोगे, अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं मैं ही समझा देता हूँ फिर, यदि कोई आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे को ही समझाना पड़ेगा। देखिएगा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ए मैंगो वॉज कट बाई मोहन, अच्छा अच्छी बात है, और यस्टरडे बच गया इसको कहाँ लिखोगे, ए मैंगो वॉज कट बाई मोहन, ठीक बात है, सॉरी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया लेके जाता है, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायक क्रिया लेके जाता है, और पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस की, और यदि पैसिव इनडायरेक्ट बनाना होता तो पहले तीसरे में चला जाता, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता, तो ए मैंगो वॉज कट, ए मैंगो वॉज कट बाई मोहन, बाई मोहन और यस्टरडे, Y E S T E R D A Y, तो कई बार ये कन्फ्यूज भी कर देता है कि बाई मोहन पहले लिखें या फिर यस्टरडे पहले लिखें, ये भी कई बार डाउट में डल देता है, लास्ट डे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता तो बनाते भाई, ठीक है ना। ये देखो आप लोग, तीन पर्सन यहाँ से बन सकता है, दो पर्सन तो मैंने डिस्कस कर लिए, पहला पर्सन तो आपका ये बना कि इसमें आप इसका आंसर क्या लगाते, ये लगा देते, कट लगा दिया, आपका सेकेंड फॉर्म हो गया। दूसरा प्रश्न आपका क्या बना दिया, दूसरा प्रश्न आप लोगों का बना इसका पैसिव जो मैंने आपके सामने समझा दिया है। तीसरा प्रश्न यहां से क्या बन सकता है, ही सेड कॉमा ओरिएंटेड कॉमा शुरू, ही कट ए मैंगो यस्टरडे, वाई एस टी ई आर डी ए वाई, चलो मोहन था क्या, मोहन ही लिख देते हैं फिर, क्यों छोड़ेंगे अपन, मोहन ही बात कर लेते हैं, मोहन था तो यदि इसको चेंज करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट मोहन, थर्ड पर्सन अब चेंज नहीं होगा, मोहन, और अब ये सेकंड फॉर्म है पक्की, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती तो ऐसे ही एस लेती है आपके साथ, तो ऐसे एस नहीं है, तो यहां पर हम कैसा काम में लेंगे, मोहन हैड कट ए मैंगो, एम ए एन जी ओ, और यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, P R E V I O U S D A Y previous day, तो ये प्रश्न तीनों प्रकार के प्रश्न यहाँ परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लास्ट में आ जाएगा yesterday, भूल गए कोई बात नहीं यार, लास्ट में क्यों आ जाएगा ये बात भी आपको समझनी होगी आज, क्योंकि कई बार ये दिक्कतें आ जाती है पेपर के अंदर कि ऐसी सिचुएशन पे हम ध्यान देना दोस्त, टाइम एडवर्ब जो होती हैं, टाइम एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखी जाती हैं, टाइम एडवर्ब कौन सी एडवर्ब, टाइम एडवर्ब हमेशा कहाँ लिखी जाती है, सेंटेंस के एंड में लिखी जाती है, तो बाई मोहन पहले लिखा जाएगा और यस्टरडे बाद में लिखा जाएगा, और ये जो था ही सेड मोहन वाला जो पार्ट था इसमें किसको ऐसे लिख दिया, ही सेड मोहन कट ए मैंगो यस्टरडे, यस्टरडे किस में बदल जाता है, द प्रीवियस डे में बदल जाता है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में बदल जाती है, एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ मोहन हैड कट ए मैंगो द प्रीवियस डे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, और जो लास्ट में ही आएगा यस्टरडे भूल गए कोई बात नहीं है, ए मैंगो वॉज कट बाई मोहन यस्टरडे मनीष रॉय, बिल्कुल सही सही बात है, ए मैंगो वॉज कट बाई मोहन यस्टरडे मनीष कुमार, आपका आंसर सही है। हाँ द लास्ट डे नहीं होगा सेन, इसमें आप लास्ट डे का प्रयोग नहीं कर सकते, द प्रीवियस यस्टरडे है ना, यस्टरडे यस्टरडे ही रहेगा जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलोगे तो द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। तो ये बातें आज हमने पास्ट टेंस से संबंधित यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए हैं, पास्ट सिंपल को हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, पास्ट कंटिन्यूस सॉरी पास्ट सिंपल को हमने प्रीवियस क्लास में किया था, आज हमने पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे उनके ऊपर आज हमने चर्चा किया है। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो फ्यूचर टेंस प्लस टेंस की जो एक्सरसाइज हैं उनके ऊपर हम कल बात करेंगे, और आप देखना कि इससे नेक्स्ट क्लास में हम टेंस की जो इकाई थी उसकी एक्सरसाइज के साथ साथ में हम
टेंस को भी पूरा करेंगे और उससे बनने वाले जो पार्ट है उनकी सब बातें नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक आपको थैंक यू ऑल ऑफ यू।